क्या आप मानसून में बार बार बीमार पड़ते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। मानसून में बैक्टीरिया को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वास्थ्य, और इसके लिए जरूरी है अच्छा खान पीन और गुड पर्सनल हाइजीन। तो आइए जानते हैं इसका बारे में। मैं सुरंजन कुंडू आपको 6 सेहतमंद आदत बताएंगे। नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खान पान। बारिश में अक्सर आपका तबीयत खराब रहती है, तो इम्यून सिस्टम को विशेष उपचार का जरूरत है। ये आपका कोविड-19 के लिए भी बहुत जरूरी है। एक कमजोर इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को मौसमी बीमारी का प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं। इससे ऐसा आहार लेना जरूरी है जो आंत के बैक्टीरिया के लिए भी अच्छा हो। रिसर्च बताते हैं कि खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड यानी विटामिन सी और विटामिन डी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छा बनाने में मदद करते हैं और संक्रमण से दूर रखते हैं। बारिश का दिनों में प्रोबायोटिक्स लेना भी बहुत जरूरी है, जैसे दही, छाछ और घर के बना अचार भी आप सेवन कर सकते हैं। करेला, नीम, मेथी या मेथी का बीज जैसे कड़वे भोजन भी शरीर को पॉइजन या विषाक्त पदार्थ को दूर करते हैं। इससे व्यक्ति का शरीर स्वास्थ्य मजबूत बनते हैं और इस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम, आयरन और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा बनाते हैं। आप अपना आहार में इसे अवश्य शामिल करें। नंबर 2, शरीर में पानी का कमी ना होने पाए। भले ही हवा में हाई मॉइस्चर हो, आपका पानी पीने का इच्छा ना हो, फिर भी आपको ढेर सारी पानी पीना चाहिए। अगर प्लेन वाटर यानी सादा पानी पीने का इच्छा ना हो, तो आप हमेशा फ्लेवर्ड पानी का विकल्प चुन सकते हैं। आप पूछोगे क्या है ये चीज? इसके लिए आप पानी में खट्टे फलों का कुछ टुकड़ा डालिए और सारा दिन घुट घुट कर पिए। इससे ना केवल आपको दैनिक खुराक पूरी होगा बल्कि आपको विटामिन सी भी इसमें प्राप्त होगी। नंबर 3, व्यायाम करना। बहुत से लोग बारिश का टाइम में व्यायाम करना भूल जाते हैं और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, जबकि इस मौसम में आपको इसका अधिक जरूरत होती है। रिसर्च में पाया गया कठोर शारीरिक गतिविधियाँ आपको प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में आप एक्सरसाइज को नजरअंदाज नहीं करें। नंबर 4, पर्सनल हाइजीन। इन दिनों आपको गुड पर्सनल हाइजीन के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, साथ साथ आपका घर और घर का आसपास को भी साफ सफाई करें। इससे खास करके आप मच्छरों से भी बच सकते हो। नंबर 5, आपको 6 से 8 घंटे का नींद पूरा करना चाहिए। इन दिनों ज़्यादा सोने का आदत हो जाते हैं, इसमें आपका आलसीपन नजर आते हैं जिसको लेथार्जिक बोलते हैं। आप कृपया करके इसमें ख्याल रखें, 6 से 8 घंटा नींद पूरा करें और फिट रहे। और नंबर 6, बी पॉजिटिव, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अखबार या टीवी में देखते हैं या बारिश का टाइम में नुकसान हुआ जान माल का या इस टाइप का बहुत सारे खबरें, आप इससे विचलित ना हो, आप पॉजिटिव रहे और फिट रहे। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारा चैनल हेल्दी टू माईसेल्फ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।